आसमान से बरसेगी आग, इन राज्यों में 40 डिग्री वाला का टॉर्चर, लू से बचने की चेतावनी। लगातार बढ़ती जा रही धूप और चिलचिलाती गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन तेज धूप दिल्ली वालों के पसीने छुड़ाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 48 घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। देश के अधिकतर हिस्सों में लोगों को गर्मी सताने लगी है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शनिवार तक तथा बिहार में शनिवार से सोमवार तक लू चलने का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में सोमवार 17 अप्रैल तक तेज गर्मी और लू से सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री के बीच रह सकता है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के अभाव में अधिकतम तापमान 15 से 16 अप्रैल तक 39 डिग्री सेल्सियस के निशान को छूने की संभावना है। वहीं 17 अप्रैल तक राजधानी में अलग अलग स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के निशान को छू सकता है। लू से बचने की चेतावनी। बिहार में शनिवार से सोमवार यानी कि 15 से 17 अप्रैल तक लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत में मौजूदा समय में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कई हिस्सों और उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 20 से 26 अप्रैल के बीच लू चलने की आशंका है। कब चलती है लू? लू की स्थिति होने की घोषणा तब की जाती है जब मैदानी इलाकों में किसी स्थान पर अधिकतम तापमान बढ़कर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस और पर्वतीय इलाकों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है या फिर सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा में पारा 42 डिग्री पार कर चुका है। इसी तरह देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है।